एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रही हैं। पहले तो अपनी मूवी तेजस की रिलीज को लेकर के खबरें बटोर रही थी, अब वही कंगना रनौत रावण दहन करने जा रही हैं। जी हाँ, दिल्ली के फेमस लवकुश रामलीला मैदान में रावण दहन करेंगी कंगना रनौत। इसको लेकर के खासे लोग एक्साइटेड भी हो गए हैं। खबरें हर तरफ आग की तरफ फैल रही हैं। वही इसकी जानकारी खुद अध्यक्ष ने दी है। बताया जा रहा है कि 24 अक्टूबर 2023 को देश भर में दशहरा मनाया जा रहा। जगह जगह आज रावण के बड़े बड़े पुतले फूके जाएंगे। दिल्ली की फेमस रामलीला में भी इस बार वो नजारा देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार ये खास होगा क्योंकि इस बार एक महिला के हाथ से तीर चलेगी और रावण धू धू कर जलेगा। आपको बता दें कि कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत होंगी। जी हाँ, इसकी जानकारी खुद लवकुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने दी है। दरअसल अर्जुन सिंह ने कहा है कि लाल किले पर हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के 50 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा जब कोई महिला तीर चलाकर रावण के पुतले को दहन करेगी। साथ ही अध्यक्ष ने ये भी कहा कि समिति ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में मंजूरी मिलने के मद्देनजर ये निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव रह रही हैं। साथ ही कंगना कई मूवीज में दमदार रोल्स भी कर चुकी हैं। अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को कंगना रनौत की मूवी तेजस रिलीज होने वाली है। इसके अलावा 24 नवंबर को इमरजेंसी रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसकी रिलीज डेट को बढ़ा दी गई है और अब इसे 2024 में बड़े पर्दे पर उतारी जाएगी। ऐसे में इनका रावण दहन करना एक प्रमोशनल स्टंट भी हो सकता है।